हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. क्लास 12A के बच्चों, आज हम आप लोगों को आपके पेपर का पैटर्न बता रहे हैं कि जो आपका एग्जाम में पैटर्न आता है वो कैसे होगा. सबसे पहले तो आपका बोर्ड पेपर के पैटर्न पे आधारित आपका क्वेश्चन पेपर होगा. बोर्ड पेपर के पैटर्न में आधारित का मतलब है 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में होने में आपको आपका जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जैसे हमारा सेक्शन ए होगा और ये होगा सेक्शन बी. सेक्शन ए होगा 40 मार्क्स का और सेक्शन बी हमारा होगा 60 मार्क्स का. ठीक है, तो बच्चों ये दो सेक्शन होंगे हमारा बोर्ड पेपर के पैटर्न पे आधारित पेपर होगा. टोटल मैक्सिमम मार्क्स मेरा 100 होगा, उसमें से आपका 10-40 नंबर का लिटरेचर होगी और 60 नंबर का हमारा सेक्शन बी होगा. अब जो हमारा 40 नंबर की जो सेक्शन ए होगा 40 नंबर का, उसमें आप देखिए क्या होगा. सबसे पहले तो बच्चों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन पेपर सेंड किया है एज ए मॉडल पेपर के तरीके से. ठीक, तो आपका वो मॉडल पेपर इसलिए है कि आपका पेपर इसी पैटर्न पे आधारित होगा. ठीक है, आपके यही क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न ऐसा ही होगा. आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर आपको इससे नहीं मिलेगा, लेकिन जो कहिए पैटर्न तो आपका सेम इसी बेस पे आधारित होगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट एनी 2. आपको 3 क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, ठीक है ना. आपको इस 40 नंबर में से आपको पहला क्वेश्चन जो दिया होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, पहले 3 क्वेश्चन आंसर शॉर्ट दिए होंगे, और 3 में से आपको कितने करने होंगे, आपको एनी 2 करने होंगे, एनी 2 करने होंगे शॉर्ट आंसर. शॉर्ट आंसर एनी 2, और ये आपकी बुक होगी हमारी जाके 12th क्लास है, हॉर्नबिल है, सॉरी हॉर्नबिल नहीं, आपकी फ्लेमिंगो है और दूसरी विस्टास है. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर जो पहले वाले होंगे ये हमारे फ्लेमिंगो के हैं. ठीक है, ये पहली बुक मेरी फ्लेमिंगो की है, इसमें शॉर्ट आंसर होंगे एनी 2 करने होंगे. ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे. फिर आप आ जाइए, एक लॉन्ग करना होगा, एक लॉन्ग वन लॉन्ग आंसर एनी 2 ये करना होगा शॉर्ट, फिर वन लॉन्ग आंसर, वन लॉन्ग आंसर ये होगा तुम्हारा 7 आंसर, ये 7 का होगा और ऊपर 4 8 का होगा, 4 4 8. ठीक है, ये 2 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको 3 दिए होंगे, 3 में से 2 शॉर्ट आंसर आपको लिखने होंगे. 4-4 नंबर का एक एक है, यानी 8 नंबर के हो गए. फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लॉन्ग आंसर दिए होंगे, 2 में से आपको एनी 1 लॉन्ग आंसर करना है. कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, और लॉन्ग आंसर में 150 वर्ड का कम से कम होना चाहिए. फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर, स्क्रैप आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, यानी 3 × 6 मार्क्स की पोयम हो जाएगी. ठीक, फिर आप आइए, 6 मार्क्स की पोयम होगी 3 क्वेश्चन. फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल आइडिया. ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया. बच्चों आपको 2 ही पोयम आ रही हैं और दोनों ही पोयम में से आपको 1 पोयम का सेंट्रल आइडिया करना होगा. उसके बाद आ जाइए मेरी दूसरी बुक होती है, हमारी दूसरी बुक विस्टास. अब आ गए मेरे विस्टास के क्वेश्चन आंसर. विस्टास के क्वेश्चन आंसर में सेम प्रोसेस इसका वही होगा. विस्टास के क्वेश्चन आंसर बताइए, 8 मार्क्स के शॉर्ट होंगे और 7 मार्क्स का लॉन्ग होगा. समझे बच्चों, देखिए सबसे पहले मैंने बुक उठाई अपनी, सबसे पहले मैंने अपनी बुक उठाई, उस बुक का नाम था मेरा क्या कहते हैं हॉर्नबिल, ओ सॉरी फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो ने
दो तीन क्वेश्चन सॉल्व दिए होंगे, तीन में से दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और चार चार मार्क्स का एक एक है, यानी 8 मार्क्स का आपको ये दो लॉन्ग आंसर सॉल्व क्वेश्चन होगा। फिर एक लॉन्ग आंसर होगा, जो लॉन्ग आंसर दो दिए होंगे, दो में से एक लॉन्ग आंसर आपको करना होगा, कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेच बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, एक पोयम दी होगी और उस पोयम से आपको स्ट्रेच बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको तीन क्वेश्चन आपको पोयम में दिए होंगे, तीन पोयम मतलब क्वेश्चन आंसर में से दो दो नंबर का एक एक आंसर होगा, यानी 6 नंबर की आपकी पोयम के ये क्वेश्चन आंसर होंगे। फिर आपका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आपका कितने का दिया हुआ है, सेंट्रल आइडिया आपका ये 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया के बाद मेरी दूसरी बुक आ गई जिसका नाम है विश्वास। विश्वास में फिर दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए, जैसे आपका इस दो फ्लेमिंगो के दो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट, ऐसे ही आपको विश्वास के भी दो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट हो जाएंगे, तीन दिए होंगे तीन में से दो करने होंगे। फिर 7 नंबर का आपका इसका भी लॉन्ग आंसर हो गया, तो कितने नंबर का हो गया, 8, 7, 15, 15, 6, 21 और कितने होते हैं 29, 29, 7, 35, 29 और 7, 36 और 4, 40 नंबर। ये लिटरेचर आपके 40 मार्क्स की है, एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, फिर इसका सेक्शन भी बता। सबसे पहले हमारी लिटरेचर की दो ही बुक है, एक फ्लेमिंगो है और दूसरी है मेरी विस्टार। फ्लेमिंगो में से दो तीन क्वेश्चन सॉल्व दिए होंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता बच्चों, इससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीन क्वेश्चन सॉल्व दिए होंगे, तीन में से दो करने होंगे 8 मार्क्स का। फिर एक लॉन्ग आंसर होगा, यानी दो दिए होंगे एक करना होगा 7 मार्क्स का। फिर उसके बाद स्क्रैच बेस यानी पोयम का स्टैंजा दिया होगा, नीचे तीन क्वेश्चन दिए होंगे और वो दो दो नंबर का एक एक क्वेश्चन, यानी 6 नंबर की आपकी पोयम का स्ट्रैच हो गया। फिर आइए सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का, क्लियर। इसके बाद उसी विश्वास स्थाना, विश्वास में फिर ऊपर की तरीके से तीन क्वेश्चन सॉल्व में से दो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 8 मार्क्स के। फिर एक लॉन्ग आंसर आपका विश्वास का होगा, 40 नंबर की विश्वास हो गई, वो लिटरेचर हो गई। 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 4, 25, 25, 8, 33, 33, 7, 40, 40 नंबर का लिटरेचर क्लियर। अब आ जाइए बच्चों आप सेकंड पेपर में, आ जाइए सेकंड पेपर में सेक्शन बी आया। सेक्शन बी में आपके बहुत पहले पूरा अनसीन पैसेज का पैरा दिया होगा और पैरे में आपको केवल 4 क्वेश्चन दिए होंगे, जो पैरे के 4 क्वेश्चन दिए होंगे उस 4 क्वेश्चन में आपको 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, यानी अनसीन हमारी 12 नंबर की होगी। ठीक बच्चों, अब आइए, ये तो हमारा लिटरेचर का था, अब आइए लैंग्वेज में आपको बताते हैं। लैंग्वेज वाली 60 मार्क्स की है बच्चों, सेक्शन बी कितने मार्क्स का है, 60। ठीक, अब ये 60 मार्क्स में से आपको पता है कि सबसे पहले तो अनसीन पैसे है, सॉरी हाँ अनसीन पैसे, अनसीन पैसे कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। उसके बाद वो कैब है हमारी, वो कैब में ए बी सी डी ई, यानी वो कैब के अंतर्गत क्या क्या है मेरा, एंटोनिम्स साइनोनिम्स, एंटोनिम्स साइनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होमोफोन्स, ये सब मेरे एक एक नंबर का आता है, यानी 4-4 नंबर का मेरा ये हो गया। तो इडियम फ्रेजेस कितने हो गए, इडियम फ्रेजेस 4 नंबर के, एंटोनिम्स एंटोनिम्स 4 के, साइनोनिम्स 4 का, वन वर्ड 4 का, ठीक कितने होगा, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20, 24, 24, 4, 28, 28 नंबर ही हो गए। फिर उसके बाद है नरेशन, नरेशन 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 हमने 1 मार्क्स, अब देखिए बच्चों 60 में से 12 की हमारी अनसीन हो गई, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20, 4, 24, 24, 28, 28, 4, 32, 32, 8, 40,
40, 50, 21, 60 हमारा ये आज का सिलेबस यहीं पर कंप्लीट होता है बच्चों। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया है कि आपका पेपर बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग आएगा, 40 नंबर की लिटरेचर और 60 नंबर की लैंग्वेज आएगी। और मैंने आपको एक मॉडल पेपर सेंड किया हुआ है ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरा पैटर्न कैसा होगा और किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है, ठीक, अच्छे से बच्चे तैयार करिएगा क्योंकि इसमें से आपको एक भी वर्ड आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। बट आप लोगों के प्रारूप पहली बार दे रहे हैं और पहली बार सिलेबस चेंज है, इसलिए आपको ये मैंने सेंड किया है। ओके क्लास, थैंक यू।